एवरीवन, अभी हम देखेंगे कुछ टॉपिक फिजिक्स का आगे क्या है, विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो देखो, ये विभव का फॉर्मूला होता है किसी एक बिंदु के लिए वी इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वी इज प्रपोर्शनल टू क्यू और वी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू क्या, वी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज जो विभव को प्रभावित करेगा वो है आवेश की मात्रा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्रपोर्शनल है, मींस अगर विभव का मान बढ़ेगा तो आवेश का भी मान बढ़ेगा, अगर विभव का मान अगर कम होगा, ठीक है, तो आवेश का भी मान कम होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आवेश की मात्रा कितनी है। अगर आवेश की मात्रा अधिक है तो विभव भी अधिक होगा, अगर आवेश की मात्रा कम है तो विभव भी कम होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा आता है चालक का क्षेत्रफल। अब चालक का क्षेत्रफल क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर क्षेत्रफल कम होगा तो विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा, और अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो विभव का मान क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार क्या है, विभव को प्रभावित करने वाला ये दूसरा कारक है कि चालक का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो विभव का मान कम होगा, और चालक का क्षेत्रफल अगर कम होगा तो विभव का मान अधिक होगा। ठीक है, अब देखो चालक के समीप अन्य चालक, अगर कोई सा चालक है उसके पास में कोई अन्य चालक आता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मान लो ये ए और बी दो चालक हैं। ठीक है, ए पर धनावेश चालक है और बी पर कोई चालक नहीं है। ठीक है, बी पर कोई चालक नहीं है, तो धनावेश चालक के कारण इसके समीपवर्ती क्या हो जाएगा, ऋणावेश चालक आ जाएगा बी पर, क्योंकि इसमें कोई चालक नहीं है। तो ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोई दो एक आवेश लेते थे, अगर उसके बगल में एक और आवेश लेते थे तो उसके क्या है, निकटवर्ती क्या है, ऋणावेश आ जाता था, जबकि दूरवर्ती में क्या आ जाता था, धनावेश चालक आ जाता था। ठीक है, ठीक है, धन आवेश आ जाता था। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, धनावेश आ गया, इसमें क्या आ गया, इधर बगल मतलब यहाँ निकटवर्ती में ऋणावेश आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र कम होगा। ठीक है, जहाँ ऋणावेश है, और दूरवर्ती में क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र अधिक हो जाएगा। मीन्स अगर विद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या होगा, अधिक कम होगा तो विभव का भी मान कम होगा, अगर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा तो विभव का भी मान क्या होगा, अधिक होगा। अब चौथा आता है चालक के परितः माध्यम। अब माध्यम भी डिपेंड करता है कि उस पर विभव कम होगा कि अधिक होगा, है ना, ये भी विभव को प्रभावित करने वाले कारक है। तो अगर माध्यम वायु या निर्वात है तो हम लोग क्या लेते हैं, के इक्वल टू मान लेते हैं, अगर कोई और माध्यम रहा तो क्या होगा, चालक पर जो है विभव का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, वायु या निर्वात लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है सम विभव पृष्ठ। ठीक है, सम विभव पृष्ठ क्या होता है, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसको कहते हैं सम विभव पृष्ठ। एग्जाम्पल के लिए ये एक सरफेस ले ली है, ठीक है, पृष्ठ ले ली है, सरफेस को ही पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तीनों बिंदु पर क्या है, विभव अगर समान है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सम विभव पृष्ठ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश मान लो। ठीक है, प्लस क्यू आवेश से क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती है। अगर यही अगर माइनस क्यू आवेश होता तो क्या होता, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती। ठीक है, तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर और अंदर की है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर क्या है, विभव जो है समान है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सम विभव पृष्ठ। अब देखो अगर यहाँ पे धनावेश होता तो धनावेश प्लस क्यू क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो धनावेश है वो उसका मान हमेशा जीरो से अधिक होता है, और माइनस क्यू आवेश होता तो उसका मान क्या है, जीरो से हमेशा कम होगा, क्योंकि माइनस है ना, माइनस क्यू आवेश के कारण हमेशा क्या होगा, इसका जो मान होगा जीरो से कम होगा। ठीक है, अब देखो सम विभव पृष्ठ के गुण। ठीक है, इसका पहला गुण है प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान है। ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं सम विभव पृष्ठ। ठीक है, अब देखो दूसरा है परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक है, परीक्षण आवेश हम लोग हमेशा परीक्षण आवेश लेते हैं। ठीक है, तो परीक्षण आवेश को यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे विभव प्रत्येक बिंदु पर समान है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस पृष्ठ के लंबवत है कि नहीं, ये देखो ये भी ये लंबवत है। ठीक है, तो ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, ये जैसे दो समविभव पृष्ठ है एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, भले एक दूसरे से गुजरेंगे, ठीक है, ये धनावेश ऋणावेश से, लेकिन एक दूसरे को ऐसा कभी नहीं काटते हैं। ठीक, आप देखो किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। अगर कोई सा भी चालक है, विद्युत चालक है, ठीक है, तो उसके प्रति वो क्या है, हमेशा समविभव पृष्ठ होता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए डायोड ले लेते हैं। ठीक है, डायोड के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, विभव समान होता है। अगर यहाँ पे अलग विभव होगा, मीन्स अगर यहाँ पे अलग वोल्टेज होगा, यहाँ पे अलग वोल्टेज होगा, तो क्या ये डायोड काम करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए ये बोला गया है, ये एग्जाम्पल है डायोड, एक एग्जाम्पल ले लिया हूं मैं, कि इसके प्रत्येक बिंदु पर जो है विभव समान होता है। विभव मीन्स होता है वोल्टेज। ठीक है, इसके प्रत्येक बिंदु पर वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध होता है इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो बिंदु O है, इस पर क्या है, प्लस Q आवेश है। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र में रखा गया। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस पर हम लोग दो बिंदु A और B की कल्पना करते हैं। ठीक है, जिसकी अल्प दूरी क्या है, dr ले लिया है। ठीक, अब देखो अब ऐसा मानते हैं कि विभव A का जो विभव है, यहाँ पे A का जो विभव है V प्लस dv है, और B का जो विभव है वो V है। ठीक है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, अब देखो एकांक जो धनावेश है ये क्या है, अब एक ही आवेश है, यहाँ पे तो परीक्षण आवेश है नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको आवेश को कहाँ से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। ठीक है, जो ये परीक्षण आवेश होगा, मीन्स एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए हम लोग को क्या, बी से ए तक लाने में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है तो इधर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्यू आवेश को अगर बी से ए तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस डी आर। ई क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। ठीक है, हाँ, अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बल के एफ के जगह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो विस्थापन है वो डी आर होगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश को बी से ए तक लेके जा रहे हैं, तो हम लोग को उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो विभवांतर का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है, वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, या फिर तो डी डब्ल्यू इक्वल टू वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को वी ए क्या है, ए का विभव है, वी बी क्या है, बी का विभव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी प्लस वी बी हो जाएगा वी ए के जगह में, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, बी से माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या, डी भी बचेगा। ठीक है, अब देखो इसको लिए हैं समीकरण एक, इसको लिए हैं समीकरण दो। ठीक है, तो आप दोनों को, ये डी डब्ल्यू दोनों का इक्वल है, तो इधर भी ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर इक्वल टू डी भी। तो ई डी आर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी भी हो गया, अगर माइनस का गुणा कर देते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ से ई निकालेंगे। ठीक है, तो ई निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस डी भी अपॉन डी आर। ठीक है, अब देखो ये माइनस चिन्ह क्या कहता है, माइनस चिन्ह ये बोलता है कि अगर, है ना, ये जो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में जो संबंध है, मींस विस्थापन और जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, विपरीत दिशा में है। मींस ये विद्युत क्षेत्र और जो विस्थापन है, हम लोग इधर आ रहे हैं, तो ऋण चिन्ह यही प्रदर्शित करता है कि दोनों विपरीत दिशा में है। ठीक है, अब देखो आते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, इसी को ही विभव प्रवणता कहते हैं, कि विद्युत क्षेत्र के साथ जो विभव के परिवर्तन की दर है उसको विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, मींस विद्युत क्षेत्र में विभव और दूरी का जो परिवर्तन की दर है। ठीक है, विभव और क्या है, दूरी का जो परिवर्तन की दर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।